Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hussnain Muneeb, and today our topic of discussion is Punjab Food Authority. Basically, food laws का हमारा course है, उसके अंदर ये हमारा topic है. Food laws हैं तो definitely इसकी पूरी एक rule book होती है, ठीक है. इसी तरह हमारे पास ये है कि जो पंजाब फूड अथॉरिटी है, इसी की इसके मुतालिक जब ये establish हो रही थी 2011 में, तो इसके मुतालिक एक एक्ट पास होता है. एक्ट ये पूरी ना एक प्रॉपर फॉर्म होती है, ठीक है. उस ये जो 1, 2, 3 है, ये बेसिकली उसके सेक्शंस होते हैं उस एक एक्ट के, और उसी तरतीब से हम फिर इस पर लेके चलते हैं. इसमें पहला जो है वो है कि शॉर्ट टाइटल एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट, कि इसका टाइटल क्या होगा उस एक्ट का. उस एक्ट का टाइटल था पंजाब फूड अथॉरिटी एक्ट 2011, जो ब्लैंक आती होती है. एक्सटेंट क्या है कि कितने एरिया पे ये एक्ट एप्लीकेबल होगा, होल पंजाब पे एप्लीकेबल था. एंड कमेंसमेंट, इट विल बी इम्पोज ऑन डेट दैट गवर्नमेंट विल स्पेसिफाई बाय नोटिफिकेशन, ठीक है. तो वो कहते हैं कमेंसमेंट जो है वो अभी ऐसा डेट नहीं है लॉ के अंदर, एक्ट के अंदर डेट नहीं इंक्लूड, लेकिन जब भी गवर्नमेंट को लगेगा कि वी आर कैपेबल इनफ, गवर्नमेंट जो है वो इसके कमेंसमेंट की डेट, कमेंसमेंट डेट है कि इस दिन के बाद से ये लॉ एप्लीकेबल होगा, और ये डिफरेंट एरियाज में डिफरेंट हो सकता है. उसके बाद जो सेकेंड सेक्शन सेक्शन होता है किसी भी एक्ट बुक का, या सेक्शन जो लॉ आता है कोई भी, उसका जो सेकंड पार्ट सेक्शन है वो होता है टर्मिनोलॉजी. टर्मिनोलॉजी बेसिकली क्या होती है कि ये उस पूरे लॉ के अंदर जितने भी कोई टर्म्स हैं, कोई डेफिनेशन हैं, कोई मुश्किल लफ्ज हैं, उनकी डेफिनेशन होती हैं, ठीक है. शुरू में ही आ जाती हैं ताकि बंदा रीड करके उसे अंदाजा हो जाए कि अंदर जो है वो किन चीज़ों के मुतल जब बात की गई होगी, ठीक है. ये जितना कोई एब्रीवेशन हैं, लाइक PFA एब्रीवेशन है पंजाब फूड अथॉरिटी की, इस तरह अगर कोई एब्रीवेशन इस्तेमाल की गई या कोई मुश्किल लफ्ज इस्तेमाल किया गया, तो उसकी जो डिटेल है वो शुरू में बता दी जाती है, ठीक है. द थर्ड सेक्शन इज एस्टेब्लिशमेंट ऑफ फूड अथॉरिटी. अब ये बीच में लिखा हुआ था कि अब जो है वो फूड अथॉरिटी को एस्टेब्लिश किया जाएगा, कि गवर्नमेंट जो है इस एक्ट के जरिए नोटिफिकेशन देगी. ऑफिशियल गजट क्या होता है, पहले ऑफिशियल गजट होता है कि एक तीन मतलब गवर्नमेंट ने पब्लिकली कुछ अनाउंसमेंट्स करनी है, ठीक है. वो 10 अनाउंसमेंट है या 20 अनाउंसमेंट है, ठीक है. वो आती है ऑफिशियल नोटिफिकेशन के, उनमें एक नोटिफिकेशन के जरिए गवर्नमेंट कह सकती है कि आज से फूड अथॉरिटी का क्याम हो गया. तो एक नोटिफिकेशन के जरिए फूड अथॉरिटी का क्याम हो जाएगा, ये इस एक्ट में लिखा गया था. अथॉरिटी शैल बी अ बॉडी कॉर्पोरेट विद काउंटेनेंस एग्जिस्टेंस एंड सील, मतलब ये एक ऐसा इदारा होगा. बॉडी क्या होगा, इदारा होगा कॉर्पोरेट विद कंटिन्यूस एग्जिस्टेंस. कॉर्पोरेट विद का मतलब होता है कि जिसकी एक मुकम्मल एग्जिस्टेंस होगी और अपना एक सिंबल या साइन होगा. इट शैल हैव द पावर टू मेक कॉन्ट्रैक्ट, इसके पास ये इतनी पावर होगी कि ये किसी के साथ मुआहदे कर सके, चीजें खरीद और बेच सके, और लीगल एक्शन ले सके, और अगर अपने खिलाफ कोई लीगल एक्शन हो जाए तो उसको रिस्पॉन्ड कर सके, ठीक है. मतलब इसके पास इतनी पावर होनी चाहिए कि ये मुआहदे कर सके, चीजों को खरीद और बेच सके, ठीक है. अपने अगर आपने इसने किसी के खिलाफ लीगल एक्शन लेना है, कोई कानूनी कार्रवाई करनी है, तो वो भी कर सके, और अगर फूड अथॉरिटी के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई करता है तो उसको रिस्पॉन्ड भी कर सके, ठीक है. ये इदारे के शुरू में क्या लिख दिया गया है कि ये इदारा जो है वो इदारा आजाद होगा, ठीक है. आगे उसकी आ जाती है कंपोजिशन. कंपोजिशन होता है बेसिकली कि किस तरह जो है ना वो अथॉरिटी मैनेज की जाएगी. अथॉरिटी विल हैव अ चेयरपर्सन एंड देन फॉलोइंग मेंबर. सबसे बड़ा जो सीट है फूड अथॉरिटी के अंदर, दैट विल बी ऑफ चेयरपर्सन. उसके बाद सेक्रेटरी आएंगे. कितने सेक्रेटरी हैं, 2, 4 और 5. 5 सेक्रेटरी आएंगे. पहला फूड डिपार्टमेंट का, दूसरा लाइफ स्टॉक एंड डेयरी डेवलपमेंट डिपार्टमेंट का, तीसरा हेल्थ डिपार्टमेंट का, चौथा पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट का, पांचवा जो है वो लोकल लोकल गवर्नमेंट एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, ठीक है. ये 5 ऐसे इदारे हैं जिनके सेक्रेटरी जो है वो इसके अंदर इंक्लूड किए जाएंगे, ठीक है. तो अब क्या यहाँ से क्या मकसद हो रहा है, फूड डिपार्टमेंट अलग है, डेयरी डेवलपमेंट डिपार्टमेंट अलग है, हेल्थ डिपार्टमेंट अलग है, वो अपना अपना काम कर रहे हैं, लेकिन उनके जो हेड हैं, जो उनके सेक्रेटरी हैं, वो फूड अथॉरिटी के मेंबर होंगे, ठीक है. वो अपना काम तो करेंगे, लेकिन जो फूड अथॉरिटी बनाई जाएगी उसमें वो एज अ मेंबर अपना रोल प्ले करेंगे, एज अ जिस तरह हम अभी स्टूडेंट हैं, ठीक है. तो वी आर स्टूडेंट ऑफ UAF, लेकिन अगर कोई न्यूट्रिशनिस्ट सोसाइटी बनती है तो हम उसका पार्ट हो सकते हैं, ठीक है. उस पार्ट बनने को, उस सोसाइटी का पार्ट बनने को, अब एज सच हम उसमें रह नहीं रहे, हमें सारा दिन उसकी सर्विसेज नहीं देने पड़ रही, लेकिन वेन एवर द सोसाइटी नीड्स हम अपनी सर्विसेज देते हैं. इसी तरह ये सेक्रेटरी, ये जो है सेक्रेटरी डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के, ये
फूड अथॉरिटी के मेंबर बनेंगे, ठीक है। थ्री प्रोविजनल असेंबली मेंबर, 3 MPA जिनमें से एक फीमेल होनी चाहिए, और ये गवर्नमेंट बताएगी कि फला एमपीए, फला एमपीए और फला एमपीए, जिनका हम इलेक्शन देते हैं, वोट देते हैं, वो मेंबर बनेंगे इसका। टू फूड टेक्नोलॉजिस्ट होंगे जिनमें से एटलीस्ट एक फीमेल होनी चाहिए, एक रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए फ्रॉम चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। अब आगे रिप्रेजेंटेटिव, चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री क्या होता है कि जिस तरह हमारे स्टूडेंट यूनियन है, तो स्टूडेंट के अंदर एक उन्होंने इदारा बनाया हुआ, सही है, मतलब अपना उन्होंने सोसाइटी बनाई हुई है। इसी तरह जब आप चलते हो कि आपने सुना होगा अंजुमन ताजरान, कि ये जो बाजार वाले हैं ना सारे दुकानों वाले, इन्होंने अपनी एक अपने अपने में से एक बंदा नॉमिनेट किया होता है कि अगर हमें कोई मसला होता है तो ये बंदा जाके आगे बात करेगा। इसी तरह इंडस्ट्रीज और जो कॉमर्स है, बेचने की जो इंडस्ट्री है या जो भी एक मार्केट है, उन्होंने भी अपने उनका एक हब होता है जहां पे वो सारे लोग इकट्ठे होते हैं, मतलब पावे पावे समझ लो। अगर बिजनेस के जो मेन लीडर्स होते हैं वो वहां पे इकट्ठे होते हैं, अब वहां से उनका एक मजीद हेड बनता है, उसे कहते हैं कि वहां से उसको कहते हैं चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, कि जहाँ पे बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट और कॉमर्स के जो बंदे हैं वहां पे इकट्ठे होते हैं और वो अपनी मीटिंग्स करते हैं, वो अपना एक मेंबर देते हैं फूड टेक्नोलॉजी को, ठीक है। एक फूड इंडस्ट्री से आएगा, एक फूड ऑपरेटर से आएगा, ठीक है। टू रिप्रेजेंटेटिव ऑफ फार्मर, दो फार्मर होंगे, कोई अच्छे फार्मर जो कि वेल डेवलप्ड हो और अपनी लेटेस्ट नॉलेज से नो हाउ हो, और दो कंज्यूमर जो है वो रिप्रेजेंटेटिव इनके मेंबर्स बन सकते हैं। अमंग दीज कैटेगरी एटलीस्ट वन रिप्रेजेंटेटिव शुड बी फीमेल फ्रॉम एनी वन कैटेगरी। अब वो कहते हैं कि ये जो एक एक चैम्बर है, एक एक जो बंदा चाहिए, इनमें से किस कोई एक, मतलब या यहाँ से या यहाँ से या यहाँ से, कोई एक फीमेल होनी चाहिए, बाकी सारे मेल हो सकते हैं। ऐसा भी नहीं है कि लाजमी सिर्फ एक ही फीमेल हो, सारी भी फीमेल्स हो सकती हैं, बट एटलीस्ट देयर शुड बी वन फीमेल अमंग ऑल दीज। मतलब अगर फर्ज कर लें कॉमर्स इंडस्ट्री ने अपनी एक फीमेल रिप्रेजेंटेटिव दे दिया, तो बाकी सारों पे लाजिम नहीं है, वो फिर मेल दे दें। अगर इन्होंने दी तो इनमें से किसी ने एक ने फीमेल रिप्रेजेंटेटिव आगे किया है, बाकी सारों के ऊपर लाजिम नहीं है कि वो फीमेल दें, वो मेल दे सकते हैं। और ऊपर जो है ये प्रोविजनल में से दो मेल आएंगे, एक फीमेल लाजमी है, ठीक है। अब ये हमने कर लिया कि स्ट्रक्चर क्या होगा, कौन कौन इंक्लूड होगा। अब इनमें जो पहला बंदा था दैट वाज चेयरपर्सन, चेयरपर्सन को कौन सेलेक्ट करेगा, गवर्नमेंट सेलेक्ट करेगी अकॉर्डिंग टू प्रॉपर उसकी, यानी कि जो भी एक्सपर्टीज है, जो भी उसकी क्वालिफिकेशन है, उसको देखते हुए गवर्नमेंट सेलेक्ट करेगी कि चेयरपर्सन कौन होगा। गवर्नमेंट शैल अपॉइंट नॉन ऑफिशियल मेंबर ऑन रिकमेंडेशन ऑफ कमेटी हैविंग मेंबर्स। अच्छा, ये जो गवर्नमेंट है वो नॉन ऑफिशियल मेंबर्स को अपॉइंट करेगी ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ कमेटी हैविंग मेंबर। इनमें से ये जो कमेटी है या जो जो भी ये ऊपर हमने बनाई है, ये जो सारे कमेटी, इनकी रिकमेंडेशंस की बेस पे आगे नॉन ऑफिशियल मेंबर्स जो है उनको अपॉइंट किया जाएगा। चीफ सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट कन्वीनियर होगा, सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट फूड डिपार्टमेंट, सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट हेल्थ डिपार्टमेंट एंड डायरेक्टर जनरल निफसेट यूएएफ। ये वो कमेटी है जो के नॉन ऑफिशियल मेंबर्स को अपॉइंट करेगी, ठीक है। चीफ सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट, गवर्नमेंट का जो चीफ सेक्रेटरी होता है वो गवर्नमेंट, फूड डिपार्टमेंट का जो सेक्रेटरी होता है वो, हेल्थ डिपार्टमेंट का सेक्रेटरी होता है वो, और निफसेट यूएफ हमारे इस इदारे का जो डायरेक्टर जनरल होता है, डीजी साहब जो कि अभी पाशा साहब हैं, वो, ये चार लोगों की कमेटी होती है जो कि रिकमेंडेशन देती है गवर्नमेंट को या इंटरव्यू लेती है टू सिलेक्ट नॉन ऑफिशियल मेंबर्स। अथॉरिटी मे सेलेक्ट एनी अदर पर्सन एज मेंबर ऑफ आफ्टर अप्रूवल फॉर गवर्नमेंट। और इनके अलावा भी अगर जो जो अथॉरिटी या फूड अथॉरिटी है वो चाहती है कि कोई पर्सन जो है उसको हम इंक्लूड करना चाह रहे हैं विद इन गवर्नमेंट अथॉरिटी ऑफिशियल्स, तो वो उसका नाम गवर्नमेंट को सेंड करे, गवर्नमेंट अप्रूव करती है अगर, तो वो उसको अपने साथ रख सकते हैं। द चेयरपर्सन एंड मेंबर्स, अब वो चेयरपर्सन और वो मेंबर जो के ऑलरेडी, जिनको ऑलरेडी कोई पोजीशन या कोई पोस्ट विद इन अथॉरिटी नहीं मिली हुई, वो हाईली प्रोफेशनल स्टैंडर्ड, जेंडर बैलेंस एंड फ्रॉम ऑल प्रोविंस, उन्हें यानी कि स्पेसिफाइड पोजीशन होता है कि फलां बंदे को, जिस तरह डीजी निफसेट है, वो तो वही हो सकता है जो स्पेसिफाइड है। इसके अलावा वो कह रहा है कि बाकी जितने भी मेंबर्स हैं
वो सिलेक्ट किए जाएंगे बेस्ड ऑन द हाईएस्ट प्रोफेशनल स्टैंडर्ड, मतलब जो भी हाईली स्टैंडर्ड सेट किए गए उन पे जो पूरा होता था उसको सिलेक्ट किया जाएगा, और जेंडर बैलेंस होगा। लाइक अगर लिखा गया कि एक मेल और एक फीमेल होनी चाहिए या एटलीस्ट एक फीमेल होनी चाहिए तो उस चीज को फॉलो किया जाएगा, और फ्रॉम ऑल ओवर द प्रोविंस जो है वो लोगों को चांस दे दिया जाएगा कि वो अथॉरिटी का पार्ट बन सके। द अथॉरिटी विल कंडक्ट मीटिंग अकॉर्डिंग टू रेगुलेशन आफ्टर दे विल बी मेड, टिल देन इट विल कंडक्ट मीटिंग अकॉर्डिंग टू अथॉरिटी डिसीजन। वो कहता है कि अगर जब अथॉरिटी बन जाएगी तो ये फिर अपने कोई रूल्स बनाएगी, ठीक है, कोई अपने रेगुलेशंस बना लेगी, उसके मुताबिक मीटिंग कंडक्ट करती रहे, और जब तक ये इसके ये रूल्स और रेगुलेशंस नहीं बन सकते तब तक जैसे जो मेन लोग बीच में हैं वो अपना जैसे कहें कि इस दिन मीटिंग कर लें उस दिन मीटिंग कर ली जाए। आफ्टर दैट, आफ्टर द मेकिंग ऑफ रेगुलेशन देर विल बी स्पेसिफाइड टाइम, देर विल बी स्पेसिफाइड डेट, और उसके मुताबिक फिर जो है वो मीटिंग हुआ करेंगे, ठीक है। द अथॉरिटी विल कॉल मीटिंग एज पर इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द चेयरपर्सन। जो चेयरपर्सन है वो जैसे इंस्ट्रक्शन देगा वैसे मीटिंग होगी। एक एटलीस्ट साल में 3 मीटिंग्स होनी चाहिए, और जो इसका लीडिंग होगा वो चेयरपर्सन ही होगा, यानी कि मीटिंग को जो है वो चेयरपर्सन लीड करेगा। क्या कह रहे हैं, चेयरपर्सन मीटिंग की इंस्ट्रक्शन के मुताबिक मीटिंग बुलाई जाएगी, साल में एटलीस्ट 3 मीटिंग्स होनी चाहिए, मीटिंग का जो हेड होगा वो चेयरपर्सन ही होगा, और अगर हेड मौजूद नहीं है तो मेंबर्स जिसे भी हेड बनाना चाहें उसको बना सकते हैं अमंग द मेंबर्स, मतलब उन्हीं मेंबर्स में से किसी एक को रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे खड़ा कर दें कि आप लीड कर लें, ठीक है, तो वो बन सकता है। एट वन थर्ड मेंबर मस्ट बी प्रेजेंट इन मीटिंग टू टेक डिसीजन, द प्रेजेंस इज कॉल्ड कोरम। वो कहते हैं कि 1/3 प्रेजेंस को हम कहते हैं कोरम, QURUM, कोरम। कि एट लीस्ट अगर 100, 99 लोग हैं तो 33 शुड बी प्रेजेंट, अगर 10 लोग हैं तो एटलीस्ट 4 मस्ट बी प्रेजेंट इन द मीटिंग टू टेक अ डिसीजन। अगर 2 लोग हैं या एक बंदा मौजूद है 10 में से तो फिर डिसीजन नहीं हो सके, मीटिंग हो सकती है, डिसीजन कोई भी लिया नहीं जा सकता। एटलीस्ट 1/3 मेंबर शुड बी देयर टू मेक अ डिसीजन। अगर कोई नया रूल बनाना है, कोई नया इम्प्लीमेंटेशन करनी है तो एटलीस्ट कोई डिसीजन लेने के लिए 33% लोगों का होना वहां पे मौजूद है। आगे हम बात कर लेते हैं टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ चेयरपर्सन एंड मेंबर। ऑल द रूल्स ऑफ आर ऑफ फॉर चेयरमैन अदर देन एक्स ऑफिशियो मेंबर। ये जितने भी नीचे रूल्स हैं ये चेयरपर्सन के लिए भी हैं और मेंबर के लिए भी हैं, अदर देन एक्स ऑफिशियो मेंबर। एक्स ऑफिशियो मेंबर मैंने ऑलरेडी बता दिया कि वो बंदे जो ऑलरेडी जिसमें मैंने मेंबर विद स्पेसिफाइड पोजीशन, लाइक जैसे डीजी ने सेड, कि जिसको मिला ही अपना ओहदा बना बनाया मिला। इसके अलावा वो लोग वो इदारे वाले जिसना ये ऊपर अभी मैंने बताया चीफ सेक्रेटरी या सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट, वो अपने इदारे का एक पार्ट है, एक हेड है, उनको यहाँ पे हमने इसमें एज अ मेंबर इंक्लूड किया है, तो उन पे ये रूल्स अप्लाई नहीं होते। उनके अलावा जो मेंबर्स बनेंगे उनमें ये रूल्स अप्लाई होंगे, दे शैल बी सिलेक्टेड फॉर 3 ईयर एंड एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट। इनके अलावा जो भी लोग सिलेक्ट किए जाएंगे वो 3 साल के लिए एक बार सिलेक्ट किए जाएंगे, और रीअपॉइंटमेंट उनकी हो सकती है कि अगर उन्होंने अच्छा काम किया है तो यू कैन रीअपॉइंट देम। दे कैन नॉट बी अपॉइंटेड फॉर मोर देन 2 टर्म्स नेदर कंजेक्टिवली नॉर अदरवाइज, मतलब किसी भी सूरत में वो 2 बार से ज्यादा नहीं आ सकते। कंजेक्टिवली का मतलब होता है कि आपने एक बंदे ने काम किया 3 साल, आपने उसकी दोबारा से री जो है वो उसको अपॉइंट कर दिया, वो अगले मजीद 3 साल काम करता है, अब उसके बाद सारी उम्र वो फूड अथॉरिटी का पार्ट नहीं बन सकता। इसी तरह एक बंदे ने 3 साल काम किया, उसके बाद आपने उसको रीअपॉइंट नहीं किया, वो 2-4 साल कहीं और काम करके आया, उसके बाद उसने दोबारा से अप्लाई किया, यू रीअपॉइंटेड हिम, अब उसने दोबारा कर लिया, ठीक है। ही ऑल्सो डिड द वर्क 2 टाइम्स, वो 2 बार रीअपॉइंट हो गया, 2 बार अपॉइंट हो गया ना, तो अब ये बंदा भी दोबारा फूड अथॉरिटी के मेंबर्स का पार्ट नहीं बन सकता। ये सारे रूल्स उनके लिए हैं जो मेंबर सिलेक्ट किए जाते हैं। जो ऑलरेडी सिलेक्टेड मेंबर हैं, लाइक सेक्रेटरी है वो अपना काम कर रहा था, डीजी अपना काम कर रहा था, उनको आपने इंक्लूड कर लिया, उन पे ये रूल्स अप्लाई नहीं होते। दे कैन रिजाइन फ्रॉम देयर पोजिशन बाय सर्विंग 1 मंथ नोटिस टू गवर्नमेंट। अगर वो रिजाइन करना चाहते हैं तो वो 1 माह का नोटिस दे के, मतलब 1 महीना पहले बताएंगे कि हमने रिजाइन करना है, और 1 महीने बाद वो अपनी रेजिग्नेशन जो है वो उस पर फॉलोअप कर सकते हैं। गवर्नमेंट शैल प्रिस्क्राइब सैलरी अलाउंसेस एंड टर्म एंड कंडीशन ऑफ सर्विसेज ऑफ चेयरपर्सन। और जो चेयरपर्सन है उसकी ही सैलरी, उसकी जो अलाउंसेज है वो सारे के सारे गवर्नमेंट खुद से डिसाइड करेगी कि चेयरपर्सन की कितनी तनख्वाह होनी चाहिए, उसको कौन कौन से अलाउंसेज मिलने चाहिए, और वो कौन कौन से काम उससे लिए जाएंगे। अच्छा, ये है चेयरपर्सन मेंबर। अगर चेयरपर्सन को हटाना हो तो फिर
गवर्नमेंट जो है वो चेयरपर्सन को या किसी भी मेंबर को रिमूव कर, पहले हमने देखा कि उनकी तकरारी कैसे होती है, उन्हें लाया कैसे जाता है, होते कौन कौन है वो बात की, फिर उसके बाद वो आते कैसे उसकी बात की, अब वो जाएंगे कैसे उसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, अब जाएंगे कैसे कि अगर गवर्नमेंट किसी को भी कर सकती है अदर देन एक्स ऑफिशियो मेंबर, याद रख रही है हर लाइन के एक्स ऑफिशियो मेंबर के ऊपर रूल अप्लाई नहीं होते ये वाले, उनके अलावा गवर्नमेंट रिमूव कर सकती है चेयरपर्सन को भी और मेंबर्स को भी जो के हु हैज बीन अनाउंस अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट, ऐसे लोग जो के बागी बागी या जो काम सही नहीं कर रहे जिन्हें कहा गया कि दे आर नॉट कैपेबल इनफ, उन्हें आप रिमूव कर सकते हैं। हैज बीन इन्वॉल्व इन इमोरल एक्ट, कोई गलत काम करप्शन करते पकड़े गए हैं, फिजिकली और मेंटली इनकैपेबल टू डू हिज ड्यूटीज, जो के मेंटली तौर पे या फिजिकली तौर पे इतने इस काबिल ही नहीं है कि वो काम कर सकें फूड अथॉरिटी के लेवल का, ठीक है, वो भी गवर्नमेंट उन्हें रिमूव कर सकती है। और या फिर कोई ऐसा बंदा जिसने पब्लिक इंटरेस्ट के खिलाफ जाके अपने इंटरेस्ट को फॉलो अप करते हुए कोई भी अपने इख्तियारात का गलत इस्तेमाल किया, ओवर यूज किया, किसी को बेजा जुर्माना कर दिया, किसी को बेजा माफ कर दिया, तो ये जो है वो मिस यूजिंग होती है, इसमें भी गवर्नमेंट रिमूव कर सकती है। दे शैल नॉट बी रिमूव विदाउट प्रोवाइडिंग देम अपॉर्चुनिटी टू पुट पुट फॉरवर्ड देयर पॉइंट, और उन्हें एक मौका दिया जाएगा अपनी सफाई पेश करने का कि वी डिड दिस बिफोर बिकॉज ऑफ दैट रीजन, अगर वो रीजन जस्टिफाइएबल है तो उन्हें माफ कर दिया जाएगा, अगर रीजन जस्टिफाइएबल नहीं है तो उन्हें ये कह दिया जाएगा कि यू आर फ्री टू गो। कूल है, इतना समझ आ गया। हमने देखा कि मेंबर होता कौन कौन है, उन्हें लाया कैसे जाता है, उन्हें निकाला कैसे जाता है, अब आ गए हैं, अब हम बात करते हैं कि उनका काम क्या है, उनकी पावर पावर क्या है। द फूड अथॉरिटी शेल रेगुलेट एंड मोनिटर फूड बिजनेस टू इंश्योर प्रोविजन ऑफ सेफ फूड, लाजिम है, शेल का लफज है, शेल का लफज उस पर लाजिम कर रहा है फूड अथॉरिटी, कि फूड अथॉरिटी लाजमी तमाम के तमाम फूड बिजनेसेस, ऐसे जितने भी इदारे, ऐसे जितने भी काम जो कि खाना ले रहे हैं या बेच रहे हैं, उनके उनको रेगुलेट करेगी, उनको चेक एंड बैलेंस उनका करेगी, ये लाजमी है फूड अथॉरिटी। इसके अलावा फूड अथॉरिटी अदर काम भी कर सकती है, ये काम उसके लाजमी नहीं है बट वो कर सकती है। पहला, एस्टैब्लिश अ नेटवर्क ऑफ फूड ऑपरेटर एंड कंज्यूमर टू फैसिलिटेट फूड सेफ्टी एंड क्वालिटी कंट्रोल, के फूड ऑपरेटर्स हैं उसके अलावा यानी कि जो कंज्यूमर मतलब खाने वाले और बनाने वाले, उनका एक ऐसा नेटवर्क बना लिया जाए, उनको ऐसे इकट्ठे जोड़ लिया जाए ताकि फूड सेफ्टी और क्वालिटी कंट्रोल पे फोकस किया जा सके। स्टैंडर्ड्स प्रोसीजर एंड गाइडलाइन रिलेटेड टू फूड बिजनेस, फूड लेबलिंग, फूड एडिटिव एंड स्पेसिफाई अप्रोप्रिएट इन्फोर्समेंट सिस्टम, यानी वो कहते हैं कि उसके अलावा कोई स्टैंडर्ड प्रोसीजर बना दे कि अगर चिप्स बनानी है तो ये स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल होना चाहिए, ऑयल इस तरह का होना चाहिए, ये उस तरह का, ये अब लाजिम नहीं है फूड अथॉरिटी पे बट वो उसको इख्तियार है कि वो करना चाहे तो कर ले। ठीक है, लाजिम उस पर क्या है कि उसने देख के आना कि ये इसने काम सही किया कि नहीं किया। ठीक है, इस तरह फूड लेबलिंग है, फूड लेबलिंग का लॉज बना सकती है, स्टैंडर्ड बना सकती है कि फूड लेबलिंग शुड बी डन दिस वे, तब ये सही होगी अदरवाइज नहीं होगी। स्पेसिफाई प्रोसीजर एंड गाइडलाइन फॉर सेटिंग अप सर्टिफिकेशन ऑफ फूड लेबोरेटरीज, इसके अलावा जो फूड लेबोरेटरीज होती हैं वो कैसे अपना काम करें, वहां पे कौन से प्रोसीजर फॉलो किए जाने चाहिए किसी भी एक फूड टेस्ट को परफॉर्म करने के लिए, उनको भी स्पेसिफाई कर सकती है, वो प्रोसीजर के मुताबिक भी बता सकती है। ऑर्गेनाइज ट्रेनिंग प्रोग्राम इन फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड, स्पेसिफाई लाइसेंसिंग प्रोहिबिट, अब वो फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड के ट्रेनिंग प्रोग्राम अरेंज कर सकती है जिसमें लोगों को बताया जाए फूड सेफ्टी क्या है, स्टैंडर्ड्स क्या है, डिफरेंट वेंडर्स को फूड बेचने वाले को बताया जाए, लाइसेंसिंग का प्रोहिबिशन ऑर्डर, रिकॉल प्रोसीजर, इम्प्रूवमेंट नोटिस या प्रोसिक्यूशन, ये सारी चीजें स्पेसिफाई करें। लाइसेंसिंग कैसे होगी, किस किस की होगी, क्या प्रोसीजर है, क्या स्टैंडर्ड्स हैं इसके, प्रोहिबिशन ऑर्डर्स के, किसी को अगर रोकना है काम करने से कोई तो उसके क्या स्टैंडर्ड होने चाहिए, कि किसी बंदे ने क्या ऐसा किया कि उसको रोक दिया जाए कि आप मजीद दुकान सील करना, रिकॉल प्रोसीजर्स कि अब अगर किसी को कहना है कि ओके आपको नोटिस दिया जाता है कि आप अपने आप को बेहतर कर लें, अगली बार हम आके दोबारा देखेंगे कि आपने इम्प्रूवमेंट आई कि नहीं, रिकॉल प्रोसीजर, इम्प्रूवमेंट नोटिस किसी को जारी करने हैं या प्रोसिक्यूशन, कोई लॉ बनाना है, किसी को सजा दिलवानी है तो उसके क्या तरीकेकार होंगे वो स्पेसिफाई करे। लेवी फी फॉर
अब आ रही आवाज? ओके, आई वाज सिंपली सेइंग, अगर आप इस पॉइंट को लिखो तो आप चार पांच पॉइंट यहां से बना सकते हो कि डाटा, पहले हमने देखा, अगर इसको तरतीब से भी देखना चाहो तो कोई मसला नहीं है, आपने स्टैंडर्ड बना लिया, नीचे स्टोरी लिखी हुई है, जब आप स्टोरी पढ़ोगे तो यू विल बी एबल टू रिमेम्बर एटलीस्ट लाइक 80% ऑफ दीज सर्विसेज। मैं ये बता रहा था कि किसी भी जगह को कहाँ से सैंपल कैसे लेना है, उसको एनालाइज कैसे करना है, उसके रिजल्ट कैसे निकालने हैं, उसको इंटरप्रेट कैसे करना है, उन फाइंडिंग को पब्लिश कैसे करना है, और रिपोर्ट कैसे करना है कि हुआ क्या, और फाइनली एंड पे उसकी बेस पे डिसीजन कैसे लेना है, दिस ऑल इज डिसाइडेड बाय द फूड अथॉरिटी। ठीक है, उसके बाद अगर आपको जनरल अवेयरनेस भी ये खुद से प्रोवाइड करेंगे, सर्टिफाइड फूड फॉर एक्सपोर्ट, डिफरेंट काम लिखे हुए, इनमें कोई टर्म समझाने वाली नहीं है, टू एनी अदर थिंग विच इज नेसेसरी फॉर डिस्चार्ज ऑफ इट्स फंक्शन अंडर दिस एक्ट, कि अगर इन कामों के अलावा भी कोई भी ऐसा काम जो उसे लगता है कि अपने एक्ट को, इस अपने काम को करने के लिए इट इज नेसेसरी टू डू दैट वर्क और टू टेक दैट एक्शन, तो वो खुद से भी अपना एक्शन ले सकते हैं। द अथॉरिटी विल, पहले क्या था, शेल, फिर आया मे, अब आया विल। विल का मतलब है कि लाजमी करेगी डू इट्स एक्टिविटी अकॉर्डिंग टू वेल एस्टेब्लिश प्रिंसिपल एंड इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिसेस, कि दुनिया में और उसके अलावा मतलब जितने भी लॉज प्रिंसिपल्स बनेंगे और जो बेस्ट प्रैक्टिसेस होंगी, जो बेस्ट लॉज होंगे, उनके मुताबिक ही फूड अथॉरिटी काम करेगी, अपनी मर्जी से काम नहीं करेगी, अपने मर्जी के रूल नहीं बनाएगी। ये था हमारा पॉइंट नंबर 7। 8 पॉइंट नंबर हमारा साइड में नहीं है, दैट मे बी मे नॉट बी रिलेटेड टू अस, तो उन्होंने स्किप कर दिया हुआ है, लेकिन अब असल लॉ बुक में ये पॉइंट होगा। 9, 10, 11 ये पेज, एक पेज करते हैं, उसके बाद बस इसको नेक्स्ट फिर हम बाद में करेंगे। साइंटिफिक पैनल, द फूड अथॉरिटी जो है वो आगे अपने साइंटिफिक पैनल बना सकती है। साइंटिफिक पैनल कौन होंगे? वो लोग जो साइंटिफिक रीजन या साइंटिफिक प्रोसीजर की गाइडलाइन देंगे। पहला हमारा डीजी, डीजी फूड अथॉरिटी, जो कि कन्वीनियर होता है, अ रिप्रेजेंटेटिव फूड टेक्नोलॉजिस्ट बिलोंगिंग टू फूड क्वालिटी स्टैंडर्ड डेवलपिंग ऑर्गेनाइजेशन, ऐसा फूड टेक्नोलॉजिस्ट जो कि एक ऐसे इदारे का पार्ट है जो कि फूड क्वालिटी स्टैंडर्ड्स बनाते हैं, लाइक PSQC, ये वो इदारा जो कि स्टैंडर्ड्स बनाता है, फूड क्वालिटी से रिलेटेड स्टैंडर्ड बनाता है। तो यहाँ या इसका कोई एक बंदा होगा जो कि फूड टेक्नोलॉजिस्ट होगा, वो एज अ रिप्रेजेंटेटिव फूड अथॉरिटी का पार्ट होगा। अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ फूड टेक्नोलॉजी फ्रॉम ऑर्गेनाइजेशन फॉर साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च ऑन फूड, ऐसा एक फूड टेक्नोलॉजिस्ट वहां से रिप्रेजेंटेटिव, एज अ रिप्रेजेंटेटिव फूड होगा जो कि इंडस्ट्री से, यानी कि एक बंदा हमारा आ गया फूड क्वालिटी स्टैंडर्ड बनाने वाले इदारे से, एक आ गया इंडस्ट्री या फूड इंडस्ट्री से, एक हमारे पास डीजी फूड अथॉरिटी आ गया, एक हमारे पास फूड टेक्नोलॉजिस्ट आ गया निफसेट से, यानी निफसेट का वो पार्ट होगा। यहाँ पे टीचर हो सकता है जो कि एज अ मेंबर, एज अ रिप्रेजेंटेटिव फूड टेक्नोलॉजिस्ट रोल प्ले करता है विद इन फूड अथॉरिटी। अब फूड टेक्नोलॉजिस्ट एक जनरल फूड टेक्नोलॉजिस्ट अपना, यानी कि फूड अथॉरिटी का अपना फूड टेक्नोलॉजिस्ट आ गया, निफसेट का फूड टेक्नोलॉजिस्ट आ गया, इंडस्ट्री का फूड टेक्नोलॉजिस्ट आ गया, और ऐसे इदारे का जो कि फूड स्टैंडर्ड बनाती है उसका फूड टेक्नोलॉजिस्ट आ गया। ये चार फूड टेक्नोलॉजिस्ट जो है वो पार्ट होंगे, उसके अलावा डीजी फूड अथॉरिटी, और उसके अलावा मेडिकल प्रैक्टिशनर यानी कि कोई एक MBBS डॉक्टर इसका पार्ट होगा, और 3 रिप्रेजेंटेटिव होंगे रेलिवेंट फील्ड के फूड मैन्युफैक्चरर के। अ साइंटिफिक पैनल ये मे को ऑप्ट एनी अदर मेंबर फॉर रेलिवेंट इंडस्ट्री, अगर साइंटिफिक पैनल को लगता है कि हमारे पास जो हमने सर्विस एक स्पेसिफिक रूल बनाना है, एक स्पेसिफिक फर्ज कर ले हमने बेवरेज इंडस्ट्री के मुताबिक रूल बनाना है, तो हमें उस रेलिवेंट फील्ड से एक बंदा चाहिए, तो रेलिवेंट फील्ड से एक बंदा उस लॉ को बनाने के लिए, उस रूल को बनाने के लिए वो इंक्लूड कर सकते हैं। को ऑप्ट का मतलब होता है कि उनके साथ कोलैब कर सकते हैं जस्ट फॉर दैट पर्टिकुलर रीजन, अदरवाइज वो प्रॉपर पार्ट नहीं होगा फूड अथॉरिटी का। फूड अथॉरिटी खुद से डिटरमाइन करती है कि ये जो मेंबर हैं अदर देन एक्स ऑफिशियल मेंबर, ये सारे के सारे किस तरह कितनी देर के लिए आएंगे, क्या काम करेंगे, किस बेसिस पे इन्हें लाया जाएगा, किस बेसिस पे इन्हें निकाला जाएगा। द फूड अथॉरिटी में रेफर एनी मैटर रिलेटेड टू फूड टू साइंटिफिक पैनल फॉर रिकमेंडेशन, अगर फूड अथॉरिटी जाके छापा मारती है एंड दे नो समथिंग के कुछ उन्हें अजीब मिलता है या कुछ नया डिस्कवर करते हैं, तो वो उस साइंटिफिक पैनल को दे सकते हैं कि व्हाट शुड बी डन इन दिस केस,
अगर उन्हें कोई चीज नहीं पता लग रही तो वो साइंटिफिक पैनल के सामने उस इश्यू को प्रेजेंट करेंगे, साइंटिफिक पैनल अपनी अपनी सजेशंस देगा और उन सजेशंस की बेस पे वहां पे डिसाइड हो जाएगा कि ओके व्हाट शुड बी डन नाउ। जब उन्हें साइंटिफिक पैनल को पहले तो मसला बताया जाएगा कि ये इशू है, उसके बाद वो उस पे रिकमेंडेशंस देंगे एज आई टोल्ड यू, और आफ्टर कंसल्टेशन एक फाइनल इंडस्ट्री जो है वो फाइनल जो एक डिसीजन है वो ले लिया जाएगा। अब एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि साइंटिफिक पैनल में डिफरेंट कंज्यूमर भी एज अ पार्ट बन सकते हैं, रेलिवेंट इंडस्ट्री का कोई मेंबर भी एज अ आप रिप्रेजेंटेटिव ले सकते हो, ठीक है। अगर अथॉरिटी जो है वो रिकमेंडेशन से डिसएग्री करती है तो वो दोबारा से पैनल को भेज सकती है केस वापस के नहीं इसको रिकंसिडर करें, दिस इज नॉट द वे, और वी आर नॉट एग्रिंग विद दिस। साइंटिफिक पैनल रिकंसिडर द रेफरेंस। अब साइंटिफिक पैनल के बाद दोबारा फैसला आ गया, साइंटिफिक पैनल ने एक फैसला भेज दिया फूड अथॉरिटी को वापस, वी थिंक दिस शुड बी डन। फूड अथॉरिटी कहती है नहीं जी ये नहीं हो सकता, आप दोबारा से रिकंसिडर करें फैसले को। तो वो फिर जो साइंटिफिक पैनल है वो रिकंसिडर करेगा दोबारा से न्यू रिकमेंडेशंस, जिस पे फूड अथॉरिटी शैल एक्ट। अब दोबारा नहीं, मतलब अगर एक बार आपने भेज दिया, अब फूड साइंटिफिक पैनल ने चीजें चेंज कर दी, अब जो वो चेंज करेंगी अब आपको माननी पड़ेगी। अब तीसरी बार आप वापिस चीजों को नहीं भेज सकते, जिसका मतलब क्यों, क्योंकि यहाँ लिखा है शैल एक्ट, अब उन्हें काम करना पड़ेगा। अब वो चेंज मजीद चेंज के लिए आपको रिकमेंड या पैनल को रिकमेंड नहीं कर सकते। उसके बाद 10, 11, 12 सेक्शन वहां पे वैसे ही स्किप्ड है। 13वां सेक्शन जो है वो पावर ऑफ फूड सेफ्टी ऑफिसर। फूड सेफ्टी ऑफिसर वो होते हैं जो ये छापा मारते हैं, ठीक है, उनकी क्या पावर होती है। किसी भी इदारे में, किसी भी प्रेमिसेस, प्रेमिसेस कहते हैं बिल्डिंग को, यानी ऐसे जहां पे फूड प्रिपेयर, किसी भी ऐसे जगह पे ये जा सकते हैं, घुस सकते हैं, दाखिल हो सकते हैं, जहां खाना बनाया जाता है, स्टोर किया जाता है, पैक किया जाता है या कन्वे किया जाता है, मतलब एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर किया जाता है, जैसे ट्रक्स हैं, फूड ट्रक्स हैं, डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। उन बिल्डिंग में प्रेमिसेस होते हैं, जगह बिल्डिंग नहीं मतलब कोई भी एक स्पेसिफाइड लोकेशन, ठीक है, वो ट्रक भी हो सकता है, वो एक व्हीकल भी हो सकती है, और वो एक पूरी की पूरी बिल्डिंग भी हो सकती है। उन सारों के ऊपर जो है वो के अंदर जो एक फूड सेफ्टी ऑफिसर है वो इन्वेट कर सकता है। डिमांड टू फूड ऑपरेटर टू शो देयर आइडेंटिटी कार्ड, वहां जाके वो उन्हें कह सकते हैं कि वो अपना आइडेंटिटी कार्ड, बिजनेस रजिस्ट्रेशन कार्ड, सर्टिफिकेट या लाइसेंस जो भी फूड अथॉरिटी उन्हें इशू करती है वो दिखाएं। एग्जामिन कर सकता है कॉपी एंड टेक एक्सट्रैक्ट ऑफ एनी डॉक्यूमेंट, वहां पे मौजूद कोई भी डॉक्यूमेंट, उनका कोई हिसाब किताब का, उनका कोई इन्वेंट्री होती है कि ये चीजें हमारे पास आई, ये चीजें हमने स्टोर की, इस साल इतना आटा आया, इस बार इतना आटा आया है, वहां हमने स्टोर किया है, वो रिकॉर्ड रखते हैं ना, उस रिकॉर्ड को कॉपी अपने पास, वो कॉपी भी रख सकता है उनकी। वेट काउंट और मेजर एनी फूड और अप्लायंस एंड देन मार्क सील और सिक्योर देम, किसी भी चीज को, किसी भी फूड आइटम को, किसी भी पैकेट को उठा सकता है, उसको वेट कर सकता है या काउंट कर सकता है, लाइक लिखा हुआ है कि ये 1 किलो का है तो उसको वेट कर ले, अगर 1 किलो का नहीं है, कम है, तो वो उसको सील कर सकता है। पहले वो कहते हैं जी इस एक पैकेट में 12 जो है वो पीसीज हैं, वो खोलता है तो 10 निकलते हैं, तो वो उसको सील कर सकता है। टेक सैंपल ऑफ एनी फूड व्हिच इज इंटेंडेड टू बी और इज सोल्ड एज फूड, कोई भी ऐसी चीज जो वो इदारा या वो जो बनाने वाला है, फूड मैन्युफैक्चरर है या फूड प्रिपेयर है, वो कहता है कि ये खाने की चीज है, तो उसको वो चेक कर सकता है, वहां से सैंपल ले सकता है टू फर्दर एनालिसिस के लिए, और उसके बाद अगर वो उसको कोई भी चीज या वहां पे कुछ खाना या वहां पे फॉलो किए जाने वाले प्रोसीजर, अगर उनमें से कोई भी चीज उसे अपने रूल्स के या स्टैंडर्ड्स के, फूड अथॉरिटी के स्टैंडर्ड्स के खिलाफ लगती है, तो वो उन्हें सील कर सकता है, सीज कर सकता है, सीज करना मतलब बता बंद कर देता है। अ फूड ऑफिसर शैल प्रिपेयर अ स्टेटमेंट अबाउट फूड अपरेटस यूटेंसिल्स और व्हीकल सीज एंड शैल डिलीवर अ कॉपी ऑफ इट टू ऑनर और मेल हिम इन केस ऑफ हिज एब्सेंस। अब वो देखेगा कि फूड अपरेटस या यूटेंसिल या व्हीकल कोई भी चीज, अगर तो फूड अपरेटस को या आप एक स्पेसिफिक मशीन बंद कर रहे हो कि ये इसको सील कर दो, इसमें ये मशीन ठीक नहीं है सील कर दो, या आप पूरी बिल्डिंग सील कर रहे हो, या आपने कोई ट्रक सील कर दिया है, तो आपको उसके बताने के पूरा डॉक्यूमेंट बनाना है, क्यों सील किया, क्या रीजन थी, और उसके बाद आप उस एक डॉक्यूमेंट को जो है वो मेल करोगे या उस ऑनर के हाथ में दोगे कि भाई दिस इज द रीजन, और अब आपने आगे करना क्या है। अगर ऑनर ऑनर कहता है कि भाई मेरी जो सील्ड चीज है जो आपने सील कर दी है या आपने गलत सील की है, तो वो 7 दिनों के अंदर अंदर, वो नोटिस उसको मिलने के 7 दिनों के अंदर अंदर कोर्ट में जाके अपील कर सकता है कि मेरे साथ जुल्म हुआ है,
मेरा जो है वो दरख्वास्त कंसिडर की जाए। कोर्ट जो है वो आगे देखेगी कि अगर जो सीजियर है या जो ये जो बंद किया है दुकान को, सील किया है, ये कंटिन्यू रहनी चाहिए या फिर कंप्लीटली को बंद रहना चाहिए या पार्शली ओपन कर दें। पार्शली में कि जहां जहां जिन जिन एरिया में इश्यू था उसको बंद रहने दें, बाकी इसको कह दें कि आप बाकी अपना काम करते रहें, या फिर कह दें कि जो भी सील लगी हैं या जो भी चीजें सील की गई हैं वो सारी की सारी रिकवर कर दें। कोर्ट विल डिसाइड। अगर कोर्ट कहती है कि सीजर यानी कि ये सील कंफर्म है, ये जो बॉडी है या ये जो इदारा है या ये जो ट्रक है ये सील ही रहेगा, दैट स्पेसिफिक थिंग विल बी फॉरफिटेड बाय फूड अथॉरिटी। अब वो फॉरफिटेड का मतलब है अब फूड अथॉरिटी उसे कब्जा कर लेगी, ठीक है। अब वो चीज किसकी हो गई है, फूड अथॉरिटी की। और कोर्ट मे ऑर्डर टू डिस्ट्रॉय दैट सीज्ड आइटम एट द कॉस्ट ऑफ ऑनर और पोजेसर ऑफ दैट आइटम। समझ लगी? तो वो कह रहे हैं कि फर्ज कर ले आटा था, आटे की थैलियां मिले 5-6 जिनमें चूहे कुछ पाए गए, तो गवर्नमेंट ने फूड अथॉरिटी सील कर दिया। सील के बाद उसने कहा जी मेरे साथ ज्यादती हुई है, कोर्ट में अपील दी। कोर्ट ने जब दोबारा से चेकिंग करवाई तो दे फाउंड आउट कि नहीं, ये जो फूड मैन्युफैक्चरर है ये गलत था। तो अब गवर्नमेंट कहती है कि नहीं अब सीज कर दें। अब दो आगे कंडीशन है, या तो फूड अथॉरिटी उस मटेरियल को स्टोर कर ले अपने स्टोर हाउस में कि भाई ये सीज मटेरियल है, ये फजूल है, एक्स्ट्रा ये हमने स्टोर कर लिया, या फिर उसको जला दे। जलाने का मतलब है कि उसको जाया कर दे, दूध है तो उसको फेंक दे, या अगर जलाना है कोई चीज को तो उसको जला दे या खत्म करना है। किसके पैसे पे? ऑनर के पैसे पे, फूड अथॉरिटी पैसे। अगर कोई कॉस्ट आ रही है, केमिकल कॉस्ट आ रही है या कोई बर्निंग कॉस्ट आती है तो फूड अथॉरिटी पे नहीं करेगी, ये गवर्नमेंट ऑर्डर करेगी कि जितना खर्चा इसको जलाने पे या इस फूड मटेरियल को जाया करने पे आएगा वो सारा का सारा जो है वो उस दुकान का मालिक बियर करेगा। अगर तो वो बंदा एप्लीकेशन नहीं देता तो फिर अथॉरिटी अपने खर्चे पे उस चीज को जाया करेगी, ठीक है। अगर उसने एप्लीकेशन दी और वो दोबारा से केस हार गया तो अब जितना भी जो भी उसको फर्दर प्रोसीजर है, जो भी उसका रॉ मटेरियल, जो भी उस खराब मटेरियल को फर्दर प्रोसेस करना है वो खर्चे पे होगा दुकानदार। लेकिन अगर वो 7 दिनों के अंदर एप्लीकेशन ही नहीं देता तो फूड अथॉरिटी की जिम्मेदारी है कि अब वो अपने खर्चे पे उस मटेरियल को जो है वो जाया करे या उसको खत्म करे। एनी रैंडम पर्सन कैन राइट एप्लीकेशन टू फूड सेफ्टी ऑफिसर टू परचेज सैंपल फ्रॉम फूड ऑपरेटर। हाँ, ये लास्ट पॉइंट है कि कोई भी रैंडम बंदा भी, मतलब लाजमी नहीं है कि फूड अथॉरिटी खुद से, मैंने कहीं चीज खाई मुझे अच्छी नहीं लगी, मुझे लगा कि देर इज समथिंग इश्यू, आई कैन राइट एन एप्लीकेशन फूड टू द फूड सेफ्टी ऑफिसर ऑफ द फूड अथॉरिटी कि भाई यहाँ मसला है, मुझे लग रहा है, आप यहाँ पे आके चेकिंग करें। तो वो जो है वो पब्लिक इंटरेस्ट के मुताबिक कि मुझे ये लग रहा है कि ये पब्लिक इंटरेस्ट के खिलाफ है, आप आके चेकिंग करें, तो फूड अथॉरिटी वहां पे आके छापा मार के अपनी फर्दर प्रोसीडिंग कर सकती है। दैट इज ऑल अबाउट बेसिकली द स्ट्रक्चरिंग ऑफ लॉ, फूड लॉ अथॉरिटी, और उनकी जो एस्टेब्लिशमेंट है और उनके क्या क्या काम होते हैं। इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल बी टॉकिंग अबाउट इन्फोर्समेंट इन्फोर्समेंट मैकेनिज्म, कि जो लॉज बनाती है फूड अथॉरिटी और वो कैसे इंप्लीमेंट किए जाते हैं, उसके अलावा ऑफेंस एंड पेनल्टीज के कौन कौन से जुर्माने हैं और कितने कितने जुर्माने हैं जो कि किए जा सकते हैं। वी विल कवर दैट पोर्शन इन द नेक्स्ट लेक्चर। दैट वॉज ऑल फ्रॉम माई साइड फॉर टूडे। थैंक यू सो मच फॉर बींग विद मी। अल्लाह हाफिज।